Namaste, this is Sister Aarti and today I'm here with a very important mental health topic, that is depression. Before talking about depression and mental health, let's quickly talk about what is health. Health is the state of complete physical, mental, social, spiritual well-being and not merely the absence of disease or infirmity. हमारी जो mental health है वो सबसे ज़्यादा effect करती है हमारी physical, social और स्पिरिचुअल हेल्थ को. तो अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आपकी बाकी पूरी हेल्थ सच में एक बैलेंस तरीके से चलेगी. तो मेंटल हेल्थ में आती क्या चीज़ें हैं, है क्या मेंटल हेल्थ? इट इंक्लूड इमोशन, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग. इट इफेक्ट हाउ वी थिंक, हाउ वी एक्ट, हाउ टू कम आउट फ्रॉम एनी सिचुएशन स्ट्रेस और हाउ टू मेक चॉइसेस. डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जो कि कैरेक्टराइज करता है आपके लो मूड, फीलिंग ऑफ सैडनेस, जनरल लॉस ऑफ इंटरेस्ट. मेनली जब भी मैं लोगों से पूछती हूँ कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज क्या हैं, तो दे यूज टू से टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच मेक्स मी लाफ. दे यूज टू से देयर प्रायोरिटीज आर फैमिली नंबर वन, सेकेंड इज वर्क and third one is their health. But actually में वो implement क्या करते हैं, उनकी पहली priority हो जाती है उनका काम, दूसरी हो जाती है उनकी family और health को वो सच में neglect करते हैं. Actual priorities होनी क्या चाहिए आपकी life में जो कि आपकी सारी चीज़ों को सच में balance करेगी, that is first priority your health, second is your family, third one is your work. अगर आपकी हेल्थ सही रहेगी तो आप सच में अपने फैमिली पर और काम पर फोकस कर सकेंगे और सही तरीके से आपकी गाड़ी चल सकेगी. तो लेट्स क्विकली टॉक अबाउट डिप्रेशन. डिप्रेशन जो है एक मूड डिसऑर्डर है, ये दो तरीके का होता है, क्लिनिकल डिप्रेशन, नंबर टू सिचुएशनल डिप्रेशन जो आजकल सच में बहुत हो रहा है. और इस वीडियो में मैं आपसे सिचुएशनल डिप्रेशन के बारे में बात करूंगी, अगली वीडियो हम बात करेंगे क्लिनिकल डिप्रेशन के बारे में. सिचुएशनल डिप्रेशन होता क्यों है, इसके होने के क्या कारण हैं और कैसे इससे बाहर आया जाए, और अंत में मैं दूंगी आपको कुछ स्पिरिचुअल टिप्स जो सच में मेरे काम आई है, होप आपके काम भी आएंगी. तो जो सिचुएशनल डिप्रेशन होता है वो किसी भी सिचुएशन के कारण हो जाता है, जैसे कि किसी भी एक्सीडेंट की वजह से, लूजिंग ऑफ सम लव्ड वन, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया, कुछ घर में ऐसी परिस्थितियाँ आ गई, किसी की डेथ हो गई, सेपरेशन हो गया, हार्ट ब्रेक्स हो गए, डाइवोर्स हो गया, और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हमारी लाइफ में आ जाती हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं जो सच में हमारे बॉडी में डिप्रेशन क्रिएट करती है. तो जब डिप्रेशन होता है तो एक्चुअल में हमारी लाइफ में हमारे ब्रेन में दो चीज़ें होती हैं, वन इज सेरोटोनिन, सेकेंड वन इज डोपामिन, जिनमें इम्बैलेंस हो जाता है और वी कैन से द केमिकल लोचा. तो वो होता है तो हम जो है लो फील करने लगते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, ज़्यादा सोने लगेंगे या हमारी नींद कम आ जाएगी. तो इट डज अफेक्ट आर मूड, आर मूवमेंट, आर स्लीप एंड आर एक्टिविटी. तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, आपको लगे कि आप डिप्रेशन में हैं या आपके नियर बाय कोई डिप्रेशन में है, आपके घर में, आपके फ्रेंड में, तो प्लीज़ इस चीज़ को एक टैबू से बाहर आ जाए आप, क्योंकि लोग इसके बारे में एक्चुअल में बात कर नहीं रहे हैं, कर रहे हैं तो एक मजाक के तौर से. घर में अगर कोई इंसान किसी भी, कई बार होता है कि हम अपने डिप्रेशन को नहीं बता पाते कि ये चीज़ हमको परेशान कर रही है, तो व्हाट पीपल यूज टू थिंक कि भाई इसको कोई भूत प्रेत चढ़ गया, या द पर्सन इज अटेंशन सीकिंग, उसको कोई अटेंशन चाहिए है, या घर वाले उल्टा उसको ब्लेम करने लगते हैं उन चीज़ों के प्रति, इंस्टेड ऑफ कि वो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं या उनका कोई समाधान ढूंढें. एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपके पेट में दर्द हो जाता है या सर में दर्द हो जाता है या कोई भी वायरल फीवर हो जाता है, तो सबसे पहले आपके घर वालों का रिएक्शन क्या होता है कि भाई बाकी सब छोड़ो, सारे काम इंपॉर्टेंट छोड़ दो, लेट्स टेक द पर्सन टू द डॉक्टर फर्स्ट. बट अगर आप डिप्रेशन में हैं, सच बोलिए क्या ऐसा होता है कि लेट्स टेक द पर्सन टू द डॉक्टर फर्स्ट? यही एक कारण है जो सच में डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते, इसको हमने एक टैबू समझ लिया है और इसके बारे में हम ना बात करना चाहते हैं,
ना इसका समाधान खोजने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस देख रहे हैं जो डिप्रेशन पर बनी है, तो आई मस्ट से कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप ले लिया है अपने आप को डिप्रेशन से निकालने के लिए। तो जब डिप्रेशन हो तो आप क्या करें, सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं, सारी स्थिति बोलें, डॉक्टर जो बोले वो आप करें। उसके अलावा सिचुएशनल डिप्रेशन को हैंडल करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो सच में मैंने अपनाया है। आई हैव वन इम्पॉर्टेंट थिंग, सी दिस इज द डायरी एंड दिस इज द पेन। यू शुड स्टार्ट राइटिंग, लाइक कोई भी सिचुएशन ले लो, माना किसी ने आपको धोखा दे दिया, किसी ने आपको छोड़ दिया, आपके साथ जॉब में किसी ने कुछ बोल दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा। यू शुड स्टार्ट राइटिंग द थिंग्स। अपना जितना भी फ्रस्ट्रेशन है, खुद को उस सिचुएशन में रखो, सामने वाले की बातें लिखो, अपने बारे में लिखो, आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या आपको नहीं मिला, क्या होना चाहिए था, वो सब चीज़ें आप कंटिन्यू लिखते जाएं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ दिनों तक रिपीट करें इस चीज़ को, पर उसको पढ़ना नहीं है। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे उन चीज़ों को, तो क्या चीज़ें होंगी, यू विल स्टार्ट क्राइम। जब भी आपको लगेगा आपके साथ अन्याय हुआ इस चीज़ पर, यू विल स्टार्ट क्राइम। तो जब आप रोते हैं, आप फिल्टर होना शुरू हो जाते हैं, अंदर से जो भी चीज़ें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और आप फिल्टर होते हैं। एट द टाइम आप रिलैक्स फील करेंगे उसके बाद में। तो आपको क्या करना है, अपने साथ जो भी घटना हुई है, जो आपको अच्छी लगी है, बुरी लगी है, जिस कारण आपको गुस्सा है या जिस कारण आप उदास हैं, आपको वो सब चीज़ें लिखनी शुरू करनी है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप समय पर सोएं और समय पर जागें, तो आपकी लाइफ में सच में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसकी वजह से आप किसी भी तरह के चैलेंज से उभरने में बहुत इजीली आपको सहायता प्रदान करेगा। कि हाँ, अगर आप आज समय पर सोए, कल समय से उठे, तो आपके दिमाग पर एक बोझ जो बना रहता है ना, देर में सोने का और जल्द देर में उठने वाला, वो खत्म हो जाएगा और सच में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपको फील होगा अपने इर्द गिर्द। तीसरी चीज, यू शुड यूज सम गुड परफ्यूम्स, लाइक कोई भी खुशबू अगर आप नहीं यूज कर सकते, तो आप घर में अगरबत्ती जलाएं, अपने इर्द गिर्द साफ सफाई रखें। चौथी चीज, जितना टाइम हो सके नेचर को दें, सुबह सुबह जाएं, पेड़ों के इर्द गिर्द घूमें, उनको छुएं, अपने हाथों से पेड़ लगाएं, पेड़ों की सेवा करें जितनी हो सके, तो आप डिप्रेशन से बहुत हद तक निजात पाएंगे और आप अपने अंदर एक बहुत सारी एनर्जी और बहुत अच्छी एनर्जी फील करेंगे। उसके अलावा, नाउ हेयर आई एम विद सम स्पिरिचुअल टिप्स ऑल्सो, जो सच में मेरी लाइफ में बहुत काम आई हैं। पहले, सुबह जल्दी उठ के सूरज को जल दें। साइंटिफिक लॉजिक है हर चीज़ के पीछे, हमारा धर्म जो है वो साइंटिफिक बेस्ड है, कोई भी धर्म है सब साइंटिफिक बेस्ड है। तो आपने क्या करना है, सुबह उठना है, सूरज के सामने जाएं, सूर्य देवता को प्रणाम करें, उनको जल दें, और हो सके तो गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। इससे आपका डिप्रेशन सच में खत्म होगा और आप जिंदगी में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू करेंगे। सनलाइट जो है हमारे अंदर के सारे विकारों को खत्म कर देती है, और सनलाइट सबसे अच्छी जगह लेना क्या है, कहाँ है, अपनी नाभि पर हो सके तो सूरज की किरणों को आने दे। नाभि सबसे जल्दी उनको एब्जॉर्व करेगी और आपकी पूरी बॉडी में वो जो किरणें हैं वो फैलाएंगी। दूसरा, अपने इर्द गिर्द अगर आप ये भी नहीं कर सकते, जो आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपका जो भी धार्मिक स्थल है, वहाँ जाएं और कुछ देर बैठें। हमारे मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में एक पॉजिटिव फील, पॉजिटिव वाइब्स होती है, क्योंकि वहाँ लोग क्या करते हैं, एक अच्छे भाव, अच्छी धारणा के साथ जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ अपने आप ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। इसीलिए मंदिर में नंगे पैरों जाया जाता है, ताकि वो वाइब्स आपके पैरों से एंटर करें और आपकी पूरी बॉडी में जाएं, जिससे कि आप सच में बहुत लाइट और अच्छा फील करेंगे। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डॉक्टर को बोलो कि भैया अगर ज़रूरत है तो कुछ मल्टी वाइटमिन्स दें। मल्टी वाइटमिन्स खाने से आपकी बॉडी में एनर्जी आएगी और मूड स्विंग्स जो आपके इतने ज़्यादा बज रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो भाई, आज एक प्लेज लो मेरे साथ में कि आप डिप्रेशन को भी टैबू नहीं समझेंगे। आपके इर्द गिर्द, आपके घर में मदर, सिस्टर, फादर, ब्रदर, फ्रेंड्स या इर्द गिर्द जो भी इंसान है, अगर आपको लगे कोई कोई किसी को कोई डिप्रेशन है या कोई प्रॉब्लम है, तो सच में उसको डॉक्टर की नीड है। उसको टेम्पर टेंट्रम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर बोलना बंद करें और प्लीज़ डॉक्टर के पास लेके जाएं, एक्शन लें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे क्लिनिकल डिप्रेशन पे। होप दिस वीडियो विल वर्क फॉर यू।